ये बात सब द्वारपाल सब सैनिक सो जाते हैं और बाहर निकलते ही बहने ध्यान देना, जिणी जिणी वहां वर्षा होती है, मेघ गर्जना होती है और जो ही यमुना में आते हैं, यमुना का जल पहले कम था परंतु जो ही वसुदेव जी लेकर के अंदर जाते हैं तो यमुना का जल बढ़ जाता है। बाबा घबराते हैं, यमुना में ही सोचा कि भगवान अब जो जा रहे हैं वापस पता नहीं कब दर्शन होंगे इस बाल रूप का। वहां पर भगवान ने देखा, वो यमुना मेरा स्पर्श करना चाहती, भगवान ने अपना एक पांव बाहर निकाला, स्पर्श किया और यमुना ने मार्ग लिया और भगवान बाहर उनको लेकर के गए और वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचाया। और नंद बाबा के यहाँ पर ध्यान देना, जो ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर देवकी के नंद बाबा को और वहां पर किसी को खबर नहीं कि यशोदा की क्या लाली हुई या लला। वहां पर कृष्ण को सुला देते हैं और वसुदेव महाराज लाली को लेकर के वापस मथुरा आ जाते हैं। जो ही मथुरा आते हैं तो वापस कारागृह आदि सब बंद हो जाते हैं। देवकी और वसुदेव के हाथ पांव में बेड़िया जड़ी जाती है। इधर प्रातःकाल होने पर वहां पर गोकुल के अंदर तो आनंद है और मथुरा में शोक है। आनंद देखिए आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो Thank you.
रात आधी जो देखने पर लग जाती है।